हेलो एवरीवन आई एम आकाश गोर वेलकम बैक टू यन मेडिकल लेक्चर का इस इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए मैं बहुत सारे टेस्ट ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट कौन से टेस्ट क्या होता है क्या कौन सी ट्यूब में टेस्ट जाते हैं ठीक है कौन से टेस्ट कौन सी ट्यूब में जाती ये सारे टेस्ट को हम लोग इस वीडियो में कवर करें एल एफ टी आर एफ टी एसी एफ टी ओस्नोफिल काउंट वगैरह हो गया आपका ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग होगी एच बी एवन सी ए एस आर सी बी सी टेस्ट ये सारे टेस्ट को इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ गाइस एक पर्टिकुलर टेस्ट नहीं बताऊंगा पूरे बताऊंगा सबसे पहले वाइल्स को समझते देखो वाइल्स वाइल्स क्या होती है वाइल्स ट्यूब होती है टेस्ट ट्यूब होती है जिनमें हम लोग सैंपल को डालते हैं अलग अलग कलर कोड होता है इनका अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग प्रकार के सैंपल को भेजा जाता है क्लियर हुआ गाइस इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे मैं टेस्ट के ऊपर बढ़ता हूँ जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आते हम लोग टेस्ट के ऊपर सबसे पहले जो आता है सीबीसी टेस्ट सीबीसी बी के टेस्ट का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट कौन कौन से टेस्ट डिटेल में बताऊंगा पूरा डिटेल में ठीक है देखो यह सैंपल को ईडीटी ट्यूब में लिया जाता है जो सीबीसी का जो सैंपल होता है सीबीसी का जो सैंपल होता है उसको ईडीटी ट्यूब में लिया जाता है ठीक है यह चीज़ ध्यान रखना सीबीसी ट्यूब को काई में लेते हैं हम लोग सीबीसी ट्यूब सीबीसी को ईडीटी ट्यूब के अंदर सैंपल लिया जाता है ठीक है ये टेस्ट की सहायता से रक्त में उपस्थित सभी प्रकार की कोशिकाओं की संरचना ठीक है सभी प्रकार की कोशिकाओं की संरचना व संख्या का पता लगाया जा सकता है उसकी संरचना और संख्या दोनों चीजों यानी कि उसके स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है और उसको कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है हम लोग इस चीज को भी इस टेस्ट के थ्रू पता कर पाते हैं ठीक है आरबीसी काउंट कौन कौन से टेस्ट लेते हैं इसमें सिंपली इसमें हम लोग लेते हैं आरबीसी काउंट आरबीसी काउंट के अलावा कौन कौन से वो टेस्ट करते हैं वन मिनट मैं मार्कर लेके आता हूँ, ठीक है आरबीसी के अलावा आरबीसी के अलावा आरबीसी काउंट ठीक है आरबीसी काउंट के अलावा हम लोग लेते हैं सीबीसी काउंट ठीक है उसके बाद हम लेते हैं एचबी लेवल हीमोग्लोबिन लेवल भी इसी में पता करते हैं टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट फुल फॉर्म याद रखना गाइस टोटल ल्यूकोसाइट काउंट डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट एमसीवी एमसीएच एमसीएचसी ठीक है ये सारे टेस्ट जो होते हैं ये सारे टेस्ट जो होते हैं इन सारे टेस्ट को किस में लगाते हैं हम लोग सी बी सी के अंदर परफॉर्म करते हैं ये चीज आप लोग ध्यान रखना सी बी सी के अंदर ये सारे टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है जल्दी से किसका स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ठीक है सबसे पहला अब हम लोग टेस्ट के ऊपर आते हैं सबसे पहला जो हमारा टेस्ट आता है वो होता है ई एस आर क्या होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ठीक है ई एस आर का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता क्या है ये समझो यह टेस्ट भी ईडीटी ट्यूब में किया जाता है सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि ई एस आर का जो सैंपल होता है ईडीटी ट्यूब के अंदर जाता है ये चीज आप ध्यान रखना इस टेस्ट की सहायता से यह पता किया जाता है कि आर बी सी कितनी गति से सेडिमेंट होती है अर्थात जमती है ई एस आर टेस्ट करते क्यों है उसका मतलब देखो आर बी सी का सेटल डाउन आर बी सी कितनी जल्दी सेटल डाउन हो रही है वो स्पीड को चेक करते करते क्यों है ई एस क्यों करते सर क्यों कर रहे हो आप उसका कारण यह है कि आपकी ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है कोई डस्ट पार्टिकल तो ज्यादा डस्ट तो नहीं बढ़ गई है इस वजह से हम लोग इसको करते हैं ठीक है यदि किसी कारण रक्त में इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन समझ रहे हो इन्फ्लामेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अंदर ही अंदर इन्फ्लामेशन इं, कहीं भी हो सकता है ठीक है इन्फ्लामेशन का एक्चुअल मीनिंग यही है सबसे पहले रेड जैसे कि आप एक पिंपल हुआ तो पिंपल होने से पहले रेडनेस होगा दर्द होगा स्वेलिंग होगी पस बनने लगेगा इस चीज़ों को इन्फ्लामेशन कहते हैं तब ई की मात्रा बढ़ जाती है यदि बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस इन्फ्लामेशन के कंडीशन में हमारे शरीर में जो ई का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है ठीक है देखो मेल के अंदर जो रेंज होती है वो ध्यान रखना जीरो पॉइंट पंद्रह एम एम पर आर यूनिट जरूर हमेशा आप लोग यूनिट का हमेशा ध्यान रखना आप लोग यूनिट को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते हो यूनिट को एकदम ध्यान रखना आप लोग क्या यूनिट होती है इसकी जीरो पॉइंट जीरो से लेकर पंद्रह एम एम पर आवर और जीरो से लेकर बीस एम एम पर आवर फीमेल के अंदर जो होता है हल्का सा ज़्यादा होता है फीमेल के अंदर ये कम होता है ठीक है तो ये था कुछ ई एस आर का जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो इसका क्लीन कर देता हूँ मैं स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे बढ़ता हूँ इसका स्क्रीन शॉट ले लो नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट आता है एच बी ए सी टेस्ट अब ये एच बी एवनसी टेस्ट क्या होता है समझिए एच बी एवनसी टेस्ट का क्या मतलब होता है एच बी एवनसी इसको हम लोग ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं एच बी एवन टेस्ट को ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है यह टेस्ट ट्यूब में पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है ये शुगर से रिलेटेड टेस्ट है और हमको पता है शुगर से रिलेटेड सोडियम फ्लोराइड में लगाते पर याद रखना एच बी एवं एकमात्र ऐसा शुगर से रिलेटेड टेस्ट है जो कि हम लोग इडीटी ट्यूब के अंदर सैंपल लेते हैं बच्चे भूल जाते हैं उल्टा पुल्टा सैंपल ले लेते हैं ये ध्यान रखना ट्यूब के अंदर का सैंपल जाता है है ठीक जब रक्त में ग्लूकोज ये पॉइंट समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए तब ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से जुड़ता है और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बना लेता है पॉइंट समझ में आया फिर से रिपीट करता हूं। जब भी कभी जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी ग्लूकोज का लेवल अप होगा तो वो ग्लूकोज जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा और ऐसे हीमोग्लोबिन को ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं समझ में आ रहा जैसे आज मेरे शरीर में ग्लूकोज ज्यादा हो गया कल फिर नॉर्मल हो गया परसों फिर ज्यादा हो गया फिर नॉर्मल हो गया फिर ज्यादा हो गया फिर नॉर्मल हो गया तो ये जो ग्लूकोज बढ़ रहा है ना ये चला जाएगा हीमोग्लोबिन के पास और वहां पे जाकर ये बना लेता है क्या बना लेता है सिंपली बना लेता है हमारा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन और ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या करता है ठीक है ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या करता है ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जाकर हिमोग्लोबिन इससे जुड़ जाता है हमारे सिंपली ग्लूकोज के साथ ये रहा ग्लूकोज का मोलिक्यूल और ये हमल कंपोनेंट को हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोटेट हीमोग्लोबिन ये चीज़ इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना ग्लाइकोटेट हीमोग्लोबिन का क्या मतलब होता है ठीक है इस टेस्ट की सहायता से यह पता किया जाता है कि यह पता किया जा सकता है कि आ, कि मानव जो शरीर मानव शरीर में दो से तीन महीने की कितनी शुगर हुई है जैसे मैंने बोला मेरी आज शुगर कम है कल ज़्यादा थी फिर कम थी यदि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ यदि मुझे शुगर है तो मैं दो महीने तीन महीने बाद एच बी ए टेस्ट करके पता कर सकता हूँ कि दो महीने पहले कितनी शुगर थी क्योंकि शुगर बढ़ी तो वो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बन गया और जितना ज़्यादा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होगा उतनी ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी होगी पहले ठीक है सामान्य मात्रा याद रखना गायज इंपोर्टेंट है फाइव होनी चाहिए एच की यदि 5.7 परसेंट के परसेंट पॉइंट गया तो प्री डायबिटिक और ज्यादा गया तो डायबिटिक पेशेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें गई थी इंपॉर्टेंट याद रखना करते क्यों है होता क्या है ठीक है स्क्रीन ले लो जल्दी से एक इसका फिर आगे बढ़ता हूं अब जो ब्लड ग्रुप का टेस्ट लगाते हैं अब ब्लड ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं अब हम ब्लड ग्रुप जो होता है ए बी ओ और ए बी तीन प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप यह भी ई डी टी ट्यूब की सहायता से लगाया जा सकता है ठीक है ये टेस्ट भी होता है ये भी हम लोग ई डी टी ट्यूब की सहायता से ही, ही लगाते हैं ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना इस टेस्ट की सहायता से आर बी सी पर उपस्थित एंटी जन जो आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन होते हैं उसको उसको जो हम लोग डिटेक्ट किया जा सकता है ठीक है अब समझो जरा थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को वन मिनट ठीक है तो ये ब्लड ग्रुप है ठीक है ये ए ब्लड ग्रुप है हमारा ये बी ब्लड ग्रुप है ये हमारा ए बी है और ये ओ है ठीक है तो ए ब्लड ग्रुप जो होता है रेड ब्लड सेल में ए एंटीजन होता है पर हमेशा एंटीजन जो होता है ए होगा और एंटीबॉडी हमेशा बी पाई जाती ए ब्लड ग्रुप के अंदर ए ब्लड ग्रुप के अंदर ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है ए ब्लड ग्रुप के अंदर हमेशा ए ब्लड ग्रुप के हमेशा अंदर जो ए एंटीजन होगा पर एंटीबॉडी हमेशा अपोजिटली ही मिलेगी बी ब्लड ग्रुप में बी ब्लड ग्रुप है पर एंटीजन एंटीजन तो बी है पर एंटीबॉडी ए है अपोजिटली होती है ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन दोनों होते हैं पर एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होती है ठीक है एंटीबॉडी एंटीबॉडीज में नहीं मिलेगी आपको चीज आप लोग ध्यान रखना ठीक है और ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन तो नहीं होता है परंतु उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है यह चीज आप लोग ध्यान रखना इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट आता है एई सी टेस्ट एप्सल्यूट इओसिनोफिल काउंट ठीक है एप्सोल्यूट इोसिनोफिल काउंट क्या होता है यह टेस्ट भी ईडी टी ट्यूब की सहायता से लगाया जा सकता है जो एई सी का जो टेस्ट होता है एप्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट ये भी हम लोग ईडी टी ट्यूब की सहायता से लगा सकते हैं इस टेस्ट में यह पता किया जाता है कि ईयोसिनोफिल कितनी मात्रा में उपस्थित है इस टेस्ट से हम क्या पता करते हैं कि ईसिनोफिल का लेवल कितना ज़्यादा है ठीक है कितनी मात्रा में उपस्थित है मुख्य रूप से एड्रिनल ग्लैंड डेफिशिएंसी होने पर इोसिनोफिल की मात्रा बढ़ जाती है इस चीज को इस पॉइंट को ध्यान रखो आप लोग ठीक है ये गोल्डन पॉइंट बता रहा हूं कि इओसिनोफिल का लेवल कब बढ़ेगा भैया इोसिनोफिल का लेवल बढ़ने का कारण है कि जब भी शरीर में जब भी मानव शरीर में एड्रिनल ग्लैंड की डेफिशियंसी होती है तब जो हमारी इोसिनोफिल होती है ना इस इोसिनोफिल का लेवल अप हो जाता है ये बढ़ जाती है आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा यदि शरीर में किसी प्रकार का एलर्जी यदि आपकी बॉडी में कोई प्रकार की एलर्जी आपको हो रही है तो एलर्जी वगैरह होने पर क्या होता है की मात्रा बढ़ जाती है उसका लेवल अप हो जाता है ठीक है ये चीज भी आप ध्यान रखना ठीक है सामान्य मात्रा इसकी सामान्य मात्रा कितनी होती है याद रखना तीन से लेकर तीन सेल एम सॉरी तीन सेल पर माइक्रोमीटर एक माइक्रोमीटर में आपको 30 से लेकर कितनी 300 तक ठीक है 30 से लेकर 300 पर माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर मतलब एक माइक्रोमीटर ब्लड में कितनी होती है माइक्रोमीटर ब्लड में यह चीज आप लोग ध्यान रखना ठीक है गाईस? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ चेंज अब जो नेक्स्ट हमारा ईडी में हमने कितने टेस्ट लगाए वो समझो हमने EDTA में सिंपली एक टेस्ट किया काउंट ब्लड ग्रुप हमने टी एच बी एवनसी टेस्ट हमने इसमें लगाया ई एस आर टेस्ट हमने किया सीबीसी टेस्ट किया टीएलसी टेस्ट किया डीएलसी ये सारे जितने भी टेस्ट होते हैं सारे हम लोग इस ट्यूब की सहायता से कर सकते हैं ठीक है ठीके? लो स्क्रीन फिर आगे बढ़ता हूं अब देखो हम लोग प्लेन बाइल के ऊपर आते अब ये प्लेन बाइल होती है ना इसमें बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करते गए हम लोग कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते लीवर एल एफ टी लीवर फंक्शन टेस्ट के एफ टी किडनी फंक्शन टेस्ट लिपिड प्रोफाइल टेस्ट सी आर पी टेस्ट जी सिक्स पी डी टेस्ट विटामिन बी ट्वेल्व टेस्ट विटामिन डी टेस्ट आयरन प्रोफाइल टेस्ट हुआ आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हुआ आपका थायराइड प्रोफाइल हुआ विडाल टेस्ट हुआ डेंगू टेस्ट हुआ सी आर पी टेस्ट हुआ प्रोलेक्टिन टेस्ट हुआ या फिर लाइपेस टेस्ट हुआ ये जितने भी टेस्ट हैं ना ये जितने भी टेस्ट है सारे टेस्ट को हम लोग ये गोल्डन ट्यूब है इस टेस्ट की इस ट्यूब की सहायता से रेड कलर की ट्यूब होती है इस ट्यूब की सहायता से हम लोग सारे टेस्ट कर सकते। जितने भी शीरोलॉजिकल स्टडी होती है इस टेस्ट की की सहायता से जा सकती स्क्रीन शॉट लो फिर इन टेस्ट को डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग गाइज अगर वीडियो लिटरली समझ में आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए और भी मैं वीडियो लेकर आता रहूं ठीक है अब देखो एल एफ टी टेस्ट एल एफ्टी का फॉर्म होता है लीवर फंक्शन टेस्ट ठीक है दिस इज अ सीरोलॉजिकल टेस्ट विच इज डन इन प्लेन ट्यूब सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है जो कि प्लेन ट्यूब जो कि प्लेन टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर कर सकते हैं ठीक है ट्यूब इन दिस ट्यूब दिस ट्यूब टेस्ट डन मेनी पैरामीटर ठीक है इन टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे पैरामीटर्स हम और भी अलग अलग टाइप के टेस्ट कर सकते जैसे कि इस ट्यूब में इस टेस्ट ट्यूब कई प्रकार के टेस्ट किए जैसे कौन कौन से बिलीरुबिन हम करते हैं प्रोटीन टेस्ट हम करते हैं यूरिया टेस्ट हम करते हैं ये तीनों टेस्ट को हम लोग किसकी सहायता से लगा सकते हैं एल एफ टी के टेस्ट में प्लेन रेड कलर की जो ट्यूब होती है रेड कलर की जो ट्यूब होती है उस रेड कलर की कैप वाली ट्यूब से हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट मैं आगे बढ़ता हूँ टेस्ट के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं बिलीरुबिन के बारे में बिलीरुबिन क्या होती है जरा देखो बिलीरुबिन जो होती है तीन प्रकार की होती है एक होती है आपकी टोटल बिलीरुबिन, एक होती है डायरेक्ट बिलीरुबिन, एक होती है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। जो टोटल बिलीरुबिन है उसकी जो सामान्य मात्रा होती है जीरो पॉइंट वन से लेकर वन पॉइंट टू एम जी पर डी एल नॉर्मल जो यूनिट है गाइज ये आप लोग को ध्यान रखना होगा कि यूनिट क्या होती है ठीक है डायरेक्ट बिलिरुबिन होती है डायरेक्ट बिलिरुबिन रुबिन जीरो पॉइंट से लेकर जीरो पॉइंट टू एम जी पर डीएल और जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होती है ये होती है हमारी कितनी जीरो पॉइंट टू से लेकर जीरो पॉइंट एट एम जी पर डी एल तक ठीक है गाइस स्क्रीन शॉट ले लो इसका पर पहले थोड़ी चीज़ें और समझा देता हूँ मैं आपको कि जो हमारा बिलीरुबिन जो होता है ये, ये येलो कलर का पिगमेंट है येलो यानी कि पीले कलर का पिगमेंट है और यदि बिलीरुबिन की मात्रा अप होती है यदि बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ती है तो बिलीरुबिन के बढ़ने से हमारे शरीर में जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं पीलिया यानी कि जॉन्डिस ठीक है पीलिया हम लोग कहते हैं पीलिया बहुत ही खतरनाक डिसीज है गाइस ठीक है इसमें व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है ब्ली का लेवल बढ़ने पर ठीक है इसे हाइपर ब्लुबिया कहते हैं बताता हूँ आगे गाइस में एक चीज और देख लो कि हम लोग हमेशा जो टेस्ट जो होता है ना वो हम लगाते हैं टोटल का और डायरेक्ट का इसमें से हमको इनडायरेक्ट ब्लूरोन निकालना रहती है जैसे कि टोटल बिलीरोबिन फाइव है और हमारी डायरेक्ट बिलीरो सॉरी वन मिनट इसको ड्रॉप करता हूँ टोटल बिली रूबीन आपकी टेन आई हुई है डायरेक्ट आपकी फाइव आई हुई है तो टेन में से फाइव माइनस करेंगे तो फाइव बचेगा तो जो फाइव बचा है वो जो पार्ट है वो इनडायरेक्ट बिली का ठीक है टोटल बिली में से डायरेक्ट बिली को घटा दोगे तो आपकी जो इनडायरेक्ट बिली है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन आ जाती है क्लियर है घाई अब इसमें के बढ़ जाने पर जोनडिस या पीलिया नामक बीमारी होती है ये चीज आप लोग ध्यान रखना ठीक है जब बिलिरुबिन बढ़ जाए जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी तो इसे क्या कहा जाता है गाई इसको सिंपली कहते हैं हम लोग हाइपर बिलिरुबेनेमिया हाइपर का मतलब होता है बिलिरुबिन की मात्रा हो रही है। और हाइपो, हाइपो का मतलब कम हो रही है ठीक है गाइस स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फिर आगे बढ़ता हूं मैं यहां से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका नेक्स्ट हम आ रहा है प्रोटीन अब ये प्रोटीन क्या होता है तीन प्रकार के प्रोटीन होते हैं शरीर में कौन कौन से टोटल प्रोटीन एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, जो टोटल प्रोटीन होता है ये होता है सिक्स से सिक्स पॉइंट फाइव और एट पॉइंट फाइव ठीक है ये कुछ याद रखना आप लोग एक चीज़ ये चीज इसकी जो इम्पोर्टेंट है ये जो हमेशा होता है ग्राम में होता है प्रोटीन हमेशा ग्राम में लिखते हैं इसकी यूनिट मैंने लिखी नहीं हुई है मैं बता देता हूँ ठीक है ये होता है ग्राम पर डेसीलीटर ठीक है ग्राम पर डेसीलीटर ग्राम में हमेशा जो प्रोटीन के जो वैल्यू नापते हैं हमेशा ग्राम में करते हैं ठीक है जीरो सिक्स पॉइंट फाइव से लेकर एट पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव से लेकर फाइव पॉइंट टू वन पॉइंट एट से लेकर इसमें जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन कौन सा है एल्ब्यूमिन है ज्यादा मात्रा में और उससे कम ग्लोब्लिन होता है ठीक है इसी प्रकार से टोटल प्रोटीन लगा लो एल्ब्यूमिन लगा लो टोटल प्रोटीन में से एल्ब्यूमिन घटाओगे तो ग्लोब्लिन आ जाएगा ठीक है स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे बढ़ता हूँ सबसे पहले जो प्रोटीन आता है एल्ब्यूमिन अब ये एल्ब्यूमिन क्या होता है थोड़ा एल्ब्यूमिन के बारे में समझ लो एल्ब्यूमिन जो होता है एल्ब्यूमिन का मुख्य कार्य रक्त तो वाहिकाओं में ऑस्मोसिस को नियंत्रण करने का होता है जितनी भी ऑस्मोसिस होती है मेंटेन करता है जब एल्ब्यूमिन की मात्रा बढ़ती है इसे कहते हैं हाइपर एल्ब्यूमिनिया क्या कहते हैं गाइस हाइपर एल्ब्यूमिनिया यदि आपके शरीर में एल्ब्यूमिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ रही है तो उसको हाइपर एल्ब्युमिन कहते हैं ठीक है योग अच्छा एल्ब्यूमिन कब बढ़ जाता है एल्ब्यूमिन की मात्रा कब बढ़ती है डिहाइड्रेशन शरीर में यदि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है तो बढ़ गया यदि आपको दस्त वगैरह लग रहे हैं, तो बढ़ गया यदि आपको ज़्यादा प्रोटीन खाने में आ रहा है तो प्रोटीन बढ़ गया तो ये कुछ कंडीशंस हो सकती है जिसकी वजह से आपके शरीर में जो होता प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है गाइस ठीक है ये चीज आप लोग ध्यान रखना नेक्स्ट आता हमारा जब जो एल्ब्यूमिन जो आपका जो एलब्यूमिन होता है एल्ब्यूमिन की मात्रा यदि कम हो गई तो इसको कहते हैं हम लोग हाइपो एल्बुमेनमिया हाइपो का मतलब होता है कम आपको जो एल्ब्यूमिन है यदि कम हो जाएगा तो हाइपो एल्ब्यूमिनिया के नाम से उसको हम लोग जानते हैं ठीक है ऐसा कब हो सकता है लीवर डिसीज में हो सकता है किडनी डिसीज में यदि किडनी में कोई बीमारी हो गई तब भी हो जाएगा लीवर में कोई बीमारी हो गई तब भी हो जाएगा ये दोनों कंडीशन में आपका देखने को मिलेगा जल्दी स्क्रीन ले लो फिर आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट हमारा आता है ग्लोब्लिन अब ये ग्लोब्लिन क्या होता है जो ग्लोब्लिन जो होता है ना आपका ग्लोब्लिन जो प्रोटीन जो होता है ग्लोब्लिन शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है ग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ठीक है ग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है शरीर में रोगों से बचाने का होता है जो ग्लोबिन प्रोटीन है ग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर में रक्षा करता है किस चीज़ से रक्षा करता है ये रक्षा करेगा और जो भी फॉरन पार्टिकल लोग हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उनको किल करता है क्योंकि ग्लोब्लिन से इम्यूनोग्लोब्लिन होती है ठीक है इम्यूनोग्लोबिन क्या है इम्यूनोग्लोबिन इज अ प्रोटेक्शन पावर ऑफ बॉडी ठीक है अब देखो इसमें जब एल्ब्यूमिन की मात्रा यदि एल्ब्यूमिन की मात्रा बढ़ जाए तो इसे क्या बोलते सॉरी ग्लोबुलिन की मात्रा जब बढ़ जाए तब इसे कहते हैं हाइपर ग्लोबिनिमिया ठीक है क्या कहते हैं हाइपर ग्लोब्यूनेमिया ठीक है ऐसा कब हो सकता है यदि कोई आपके शरीर में एक्यूट इन्फेक्शन हुआ हो यानी कि कोई संक्रमण होने पर ठीक है यदि कोई संक्रमण हुआ होता हो सकता है और अर्थराइटिस यदि आपको रूमेटोइड अर्थराइटिस हुआ है तब या फिर आपको किसी प्रकार की माइलोमा कैंसर वगैरह हुआ है या फिर लीवर डिसीज आपको कोई हुई है इन कंडीशन में आपका ये बढ़ सकता है आपका ग्लोब्लिन प्रोटीन अब जो ये ग्लोब्लिन होता है कम भी होता है इसको कहते हैं हम हाइपो ग्लोबिनिमिया ग्लो हाइपो मतलब होता है कम ठीक है ये कब हो सकता है सिंपली आपको पल्मोनरी संक्रमण अगर हुआ है परजीवी इंफेक्शन हुआ है यदि पेट में कोई संक्रमण हुआ है इन सब के कारणों से ये जो होता है आपका इसका लेवल जो होता है कम हो जाता है तो हाइपर मतलब ज्यादा हाइपर ग्लोबिनिमिया मतलब ज्यादा हाइपोग्लोबिनिमिया मतलब कि कम ग्लोबिन ठीक है लो स्क्रीनशॉट फिर आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट जो होता है हमारा के एफ टी अब ये किडनी फंक्शन टेस्ट के हम लोग ऊपर मूव करते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट विच इज़ यूज टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी ऑफ किडनी यदि आपकी किडनी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है तो हम लोग के एफ टी टेस्ट के थ्रू पता कर पाते है. कौन कौन से टेस्ट के एफ टी में करते हैं? देखो शीरम यूरिया लगाते हैं शीरम क्रेटिनिन लगाते हैं बन बन मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन सीरियम कैल्शियम टेस्ट लगाते हैं हम लोग शीरम फॉस्पेट फॉस्फोरस टेस्ट लगाते हैं इसके अलावा हम लोग इलेक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट करते हैं ठीक है ये कुछ टेस्ट है जिसको हम परफॉर्म करते ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो इनका हम लोग डिटेल से समझते क्या होता है अब देखिए यहां पे सबसे पहले आता है शीरम यूरिया अब ये यूरिया क्या होता है समझो यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन प्रोटीन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि ब्रेकडाउन से जो प्रोटीन के टूटने से वो बनता है यूरिया प्रोटीन का जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसका निर्माण अमोनिया अमीनो एसिड्स के टूटने से बनता है अमीनो एसिड्स क्या होता है अमीनो एसिड की चेन बनके ही प्रोटीन होता है यानी कि प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो एसिड टूटेंगे नॉर्मल रेंज जो होनी चाहिए पाँच से लेकर बीस एम पर डेसीटर तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है हाई लेवल यदि आपका जो शीरम यूरिया है शीरम यूरिया का लेवल हाई हो गया है तो क्या हो सकता है डिहाइड्रेशन यदि आपको पानी की बहुत ज्यादा कमी है तब ऐसा हो सकता है यूरिन आ, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन यदि आपकी यूरिन नहीं निकल पा रही है यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है यूरिन का नहीं निकल पाना तब भी यूरियल का लेवल ज्यादा होता है

ध्यान रखना ठीक है आगे बढ़ता हूं शीरम यूरिया में हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देखो वेन इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड इट इज कॉल्ड एजोटीमिया अब ये वर्ड बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है एजोटीमिया क्या होता है एजोटीमिया का मतलब होता है कि यूरिया का लेवल बहुत ज्यादा अप हो गया उसको हम लोग एजोटीमिया कहते हैं जब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तब इसे एजोटीमिया के नाम से जाना जाता है एजोटीमिया डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप एजुटीमिया भी तीन प्रकार का होता है प्री रिनल एजुटीमिया रीनल एजुटीमिया और पोस्ट रीनल अब इसका मतलब क्या प्री रिनल यानी कि किडनी के बाहर कोई समस्या पहले कोई समस्या है तब बढ़ गया है रीनल एजुटीमिया का मतलब यानी कि किडनी के अंदर कोई दिक्कत है वो फिल्टर नहीं कर पा रही है इसलिए बढ़ गया है पोस्ट मतलब किडनी के बाद में आने वाले अंगों में कोई प्रॉब्लम है इसलिए इसका लेवल बढ़ रहा है ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है शीरम क्रेटिनिन शीरम क्रेटिनिन क्या होता है क्रेटिनाइन इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्रेटिन ये क्रेटिनीन, और क्रेटिनिन में बहुत अंतर है दोनों अलग अलग चीजें विच इज फॉर्मड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मसल जो कि कब बनता है मसल्स के जब हमारी मसल टूटेगी उसके टूटने से बनता है क्रेटिन क्रेटिनिन का भाग होता है या मसल्स के टूटने पे बनता है नॉर्मल रेंज होती है इसकी 0.7 से लेकर 1.3 पॉइंट पर डेलीटर तक इसकी सामान्य मात्रा होती है यदि हाई लेवल हो रहा है तो क्रेटिन क्रेटिनाइन कब बढ़ जाता है किडनी फेलियर यदि आपकी किडनी में कोई फेलियर हो गया है तब या फिर ग्लोमेरोलोन हो गया है तब और आपका किडनी में सॉरी जो आपका लो लेवल होगा क्रेटिन का मसल डिसीज यदि आपकी मसल में कोई बीमारी हो गई है तब आपका क्रेटिन का जो लेवल है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा स्क्रीनशॉट ले लो आगे बढ़ता हूं बन टेस्ट के ऊपर बन टेस्ट का मतलब होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इट इज शीरम टेस्ट विच इज यूज टू डिटेक्ट जो कि यूज होता है नाइट्रोजिनस यूरिया लेवल नाइट्रोजनस यूरिया लेवल का पता करने के लिए बन टेस्ट का इस्तेमाल किया नॉर्मल रेंज हमेशा ध्यान रखना सेवन से लेकर ट्वेंटी एम पर डेसी तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है हाई लेवल ये कब बढ़ जाता है यूरिया का लेवल कब सॉरी आपका बन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल कब बढ़ता है या कि किडनी फेलियर होने पर या ग्लोमरलोन होने पर इन दोनों कंडीशन में जो होता है इसका लेवल आप हो जाता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का ठीक है आगे बढ़ते शीरम कैल्शियम के ऊपर शीरम कैल्शियम क्या होता है कैल्शियम इज अ मोस्ट अबंडेड मिनरल्स इन अ बॉडी आपके शरीर में यदि सबसे ज्यादा मात्रा में कोई पाया जाने वाला प्रोटीन यदि आपका सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कोई मिनरल्स होता है तो वो होता है कैल्शियम ठीक है कैल्शियम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है 99 परसेंट जो कैल्शियम हमारा होता है 99 परसेंट कैल्शियम तो होता है बोन और दांतों के अंदर एक परसेंट कैल्शियम जो होता है वो कि प्रेजेंट रहता है हमारी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन वो करता है ठीक है नन्यानवे कैल्शियम दांतों हड्डियों में पाया जाता है पर बचा हुआ एक भाग रक्त में उपस्थित रहता है कैल्शियम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स यानी कि जो आपकी मसल्स होती है जो आपकी मसल्स होती है इसके सिकुड़ने और संकुचन और शीतलन के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम की सामान्य मात्रा याद रखना 0.5 से लेकर 10.5 पॉइंट पर डेसी तक सामान्य मात्रा होनी चाहिए आपके कैल्शियम की के. ठीक है भाई स्क्रीन ले लो आगे बढ़ता हूं शीरम कैल्शियम में शीरम कैल्शियम जब शीरम कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए तो इसे कहते हैं हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैल्शियमिया मतलब कि कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई है ठीक है हाइपर कैल्शियमिया कब हो सकता है आपको यानी कि आपको हाइपर हो गया यानी कि पेराथाइरोड हॉर्मोन्स की ज्यादा अधिकता को हाइपर कहते हैं सिवियर डिहाइड्रेशन पानी की अत्यधिक बहुत ज्यादा पानी की कमी होने पर जो कैल्शियम का लेवल है बढ़ जाएगा कैंसर यदि हो गया है यदि आपकी मेडिकेशन वगैरह चल रही है आपने ज्यादा मेडिसिन कैल्शियम की ले ली तब भी उसका लेवल बढ़ जाएगा ठीक है का मतलब होता है जब भी कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए डी की आपको हाइपो हाइपो का मतलब पैराथायराइड हार्मोन्स की कम होना ठीक है वो कम हो जाएगा ऑटो इम्यून डिसीज अगर आपको ऑटो इम्यून डिसीज वगैरह है तब इसकी मात्रा जो होती है कम हो जाती है कुछ कारण है इसके ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग सीआरपी टेस्ट अब ये सी आर पी टेस्ट क्या होता है ये समझो सी आर पी इज अ प्रोटीन विच इज फॉर्म इन लीवर एंड इट इंक्रीज ड्यूरिंग द इनफ्लामेशन सीआरपी एक विशेष प्रकार का टेस्ट होता है प्रोटीन होता है जो कि लीवर के द्वारा बनाया जाता है एवं यहाँ इंफ्लामेशन हो जाने पर इसकी मात्रा सीआरपी का लेवल बढ़ जाता है जो सीआरपी होता है कितना होना चाहिए भैया लेस देन जीरो पॉइंट फाइव परसेंट से कम होना चाहिए यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है गाइस आई होप कि आपको इतने टेस्ट समझ में आए होंगे मैं इसका एक पार्ट और अपलोड करूंगा इतने सारे एक वीडियो में एक, एक, एक्सप्लेन करना नहीं हो पाएगा पॉसिबल तो एक और वीडियो का पार्ट आ जाएगा वो भी आप लोग देख लीजिएगा तब तक आप लोग मेरे चैनल को जाओ विजिट करो हिंदी प्लस इंग्लिश में बहुत सारे आपको सिक्वेंशली नोट्स प्लस वीडियोस